वही परम पावन है, वही सौभाग्यशाली है जो शरीर को प्राप्त करके भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्यारा लगता है। यशोदा मैया चाहती हैं मेरा लाला मक्खन न खाए, दूध पीवे, क्योंकि दूध पीने से भूख बढ़ती है और मक्खन खाने से भूख कमजोर होती है। लेकिन माँ बेटे में इस बात को लेकर के मतभेद है। भगवान को मक्खन बहुत अच्छा लगता है। एक दिन भगवान भीतर शैया पर सो रहे थे, यशोदा मैया आंगन में दही का मंथन कर रही थी। दही का मंथन करके मक्खन को निकाल करके यशोदा मैया ने मिट्टी के पात्र में पानी के ऊपर मक्खन को रखा और मक्खन का जो पात्र है भीतर जहां भगवान सो रहे थे वहीं कमरे में भीतर ले जा करके रख दिया। यशोदा मैया किसी काम से बाहर चली गई। सोते हुए भगवान के नेत्र खुले, शैया से उतर पड़े। भगवान ने देखा पास में ही मिट्टी के पात्र में पानी के ऊपर मक्खन का लौंदा तैर रहा है। इधर उधर देखा यशोदा मैया नहीं दिखाई पड़ी। थोड़ा सा मक्खन निकाला और खा गए। बड़ा स्वादिष्ट मक्खन लगा। सोचने लगे मैया मेरी नित्य प्रति अपने हाथ से मक्खन देती है, उस मक्खन में इतना स्वाद नहीं होता, ये मक्खन इतना स्वादिष्ट क्यों निकला। इन्होंने निर्णय कर लिया शायद ये चोरी का मक्खन है इसलिए इतना ज्यादा स्वादिष्ट है। दूसरी बार मक्खन निकालने जा रहे थे, यशोदा मैया आंगन में आ गई, भीतर खटर पटर की आवाज को सुना, वहीं से आवाज लगा दिया, कौन भीतर खटर पटर कर रहा है। चोर अगर पहली चोरी में पकड़ा जाए तो बहुत जल्दी उसके पैर उखड़ते हैं, लेकिन भगवान तो चोरों के सरदार हैं। वेद स्तुति करते हैं, तस्कराणाम पतये नमः। चोर चोरी करने के लिए जाते हैं तो भगवान की याद करके जाते हैं, तो चोरों की बुद्धि में भगवान चोरी करने की नए नए तरीके पैदा कर देते हैं। भगवान संभल गए, कहने लगे कोई नहीं मैया, कोई नहीं, मैं हूं। यशोदा मैया ने भीतर आकर के देखा, प्रश्न कर दिया, ये बता मक्खन के पात्र में तूने हाथ क्यों डाल रखा। भगवान कहने लगे मैया तुझे तो मेरे सुख दुख की बिल्कुल चिंता नहीं, मेरे हाथ पे तूने मणि का कंकड़ बांध रखा, मेरे हाथ जल रहे हैं मक्खन में, अपने हाथ को डाल करके मैं ठंडा कर रहा हूं। यशोदा मैया को स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि मेरा लाला मक्खन की चोरी करेगा। देखिए ये मक्खन क्या है, दूध का सार तत्व है मक्खन। ये मक्खन प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का स्वरूप है। संसार में सार तत्व है प्रेम। मक्खन कितना सुकोमल होता है, कितना स्वच्छ होता है, कितना निर्मल होता है, कितना चिकना होता है। प्रेम का स्वरूप है मक्खन। भगवान मक्खन नहीं चुराते बल्कि ब्रजवासियों के प्रेम की चोरी करते। यशोदा मैया कहने लगी लाला जा अपनी मौसी को बोला करके ला। थोड़ी दूरी पर मौसी का घर था, मौसी के घर की ओर भगवान चल पड़े। मौसी ने देख लिया दरवाजे से मेरे घर की तरफ आ रहा है, दरवाजा खोल दिया, भीतर गई, ऊंचाई पर मक्खन रखा था मौसी ने उतार करके मक्खन को जमीन पर रख दिया, भीतर छिप करके बैठ गई। मौसी के घर में आए भगवान, आवाज लगाया, मौसी नहीं बोली। आंगन में जा करके देखा मिट्टी के पात्र में पानी के ऊपर मक्खन का लौंदा तैर रहा है। भगवान की जीभ में पानी आया, थोड़ा सा मक्खन निकाल करके खा गए। सोचने लगे ये तो घर वाले मक्खन से भी ज्यादा स्वादिष्ट निकला, इसका मतलब अपने घर की अपेक्षा दूसरे के घर का चोरी का मक्खन ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दूसरी बार मक्खन निकालने जा रहे थे, सामने से मौसी आती हुई दिखाई पड़ गई। भगवान ने मथानी को उठा करके हट हट करके मथानी फेंक करके मारा, मट्ठा से भरा हुआ बड़ा सा पात्र था उसमें मथानी लगी, पात्र फूटा, आंगन में मट्ठे का समुद्र उमड़ने लगा। मौसी ने आकर के उलाहना दिया ये तूने क्या किया, कितना पुराना बाप दादों के जमाने का पात्र तूने फोड़ दिया। कन्हैया ने कहा मौसी तुझे बिल्कुल दूध दही मक्खन रखने की अकल नहीं है, कहीं ऐसे रखा जाता है, वो तो संजोग से मौसी में आ गया। बात ये थी एक बिल्ली तेरे मक्खन को लेकर के भागने वाली थी, मैंने मथानी उठा करके बिल्ली को मारा, लग गई तेरे पात्र को तो मैं क्या करता। मौसी ने कहा छोड़ बिल्ली बिलौटा की बात, ले जितना भरपेट खाना चाहे मक्खन खा ले।
भगवान ने कहा खबरदार, अगर आज के बाद कभी मुझसे मक्खन खाने को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर में पूरे दिन मेरी मैया से इसी बात को लेकर के मेरा झगड़ा होता रहता है। मेरी मैया कहती लाला ले मक्खन खा ले, मुझे मक्खन खाने की बात तो दूर रही, मक्खन की गंध तक नहीं भाती है। मैया ने तुझे बुलाया है कह करके भगवान वहां से 9-2-11 हो। बात ये थी, नित्य प्रति गोपियां समय निकाल करके कोई ना कोई बहाना बना करके नंद बाबा के महल में जाती हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और जब महल में जाकर के देखती हैं कन्हैया थोड़े से मक्खन के लिए यशोदा मैया से रार मचा रहा है, उनकी चोटी को पकड़ रहा है, उनसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। भगवान की झांकी का दर्शन करके गोपियां निहाल हो जाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती क्या हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि हमारे घर में आकर के भगवान हमारे हाथ का निकला हुआ मक्खन स्वीकार करेंगे। अगर भगवान हमारे घर में आकर के चुरा करके मक्खन को स्वीकार करें तो और अधिक रस आएगा और अधिक आनंद आएगा। नित्य प्रति गोपियां दही का मंथन करके मक्खन को निकाल करके सामने रख करके घंटों तक भगवान का आवाहन कर